हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से होंगे। तो गाइज, शाम का टाइम हो चुका है, 5:10 हो चुके हैं और फिलहाल हमने पशुओं को हरा चारा तूड़ी वगैरह डाल दिया है। फिलहाल हम पशुओं को बांध रहे हैं उनके सही स्थान पर, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा लेट करना पड़ता है। हालाँकि पंखे चल रहे हैं लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गाय है वो ना हाँफ रही है और लार भी टपका रही है, कई गायें ऐसी भी है, तो काफ़ी सावधानी रखना पड़ता है। दिन में 2-3 बार पानी भी पिलाते हैं, उसके बाद भी है ना इस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा है, जो मौसम के अंदर जो गर्मियों काफ़ी ज़्यादा है। और विष्णु हरा चारा है वो हाथ में लेकर के पशुओं को डाल रहा है। अरे ऐसे कैसे डाल रहा है यार, तसला भर के ले आ। तो हमने विशेष तौर से हरे चारे पर इस समय काफ़ी ध्यान दे रखा है। हरा चारा हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पशुओं को खिलाते हैं ताकि पशुओं में डिहाइड्रेशन की समस्या न आए, पशुओं के अंदर किसी भी प्रकार की जो अंदरूनी जो गर्मी है वो न रहे और पशु अपना खाना पीना भी मस्त करता रहे, दूध भी इंक्रीज करता रहे। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो फिलहाल बनी हुई है। मौसम भी काफ़ी गर्म है तो हवाएं भी गर्म गर्म चल रही है अभी भी, ये देख सकते हो। तो विष्णु है, इसका स्कूल लगने में कितने दिन बाकी है, कितनी तारीख का लगे स्कूल तेरा, दिनांक तेरा पता है? मैं बता देता हूँ। मैं तेरे को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ या प्राइवेट में पढ़ाऊँ, कोई भी स्कूल में पढ़ाऊँ, पढ़ना तेरे को है, ठीक है। बाकी तेरा स्कूल लगेगा 3 तारीख से, क्योंकि 1 तारीख से शनिवार है तो 3 को जाना पड़ेगा तेरे को। अब जो तेरी मर्जी हो वहाँ पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना तेरे को ही पड़ेगा, खुद को सीकर भाई जी, सीकर जाने का कह रहा, अभी बच्चा है थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद सीकर भेजेंगे तेरे को। राधा अभी सुनो, सीकर जाने का बोल रहा है, वीडियो में बोल रहा है मैं सीकर पढ़ूंगा, मन सीकर जाने को कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी तुम बच्चा है, छोटा है, सीकर अभी देख, अभी तू जाएगा तो हमारा भी मन नहीं लगेगा यार, सबसे छोटा है तू पूरे घर में, हैं? तेरे मम्मी से पूछ, मन लगा लेगी क्या तेरे बिना? अब यहाँ तो तू रोजाना आ जाएगा घर पे आराम से सीकर। अब देख इसका मन लग रहा है क्या, देख अपनी माँ के पास आ गया ना, वैसे ही तेरी माँ का मन नहीं लगेगा, हैं? ये कंडीशन है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ खेत हरा चारा लाने के लिए, हमेशा तो मैं जाता था लेकिन वो 2-3 दिन बाद आएगा, गांव गया हुआ है ना चोलिया वाली, तो मैं जा रहा हूँ खेत हरा चारा लाने के लिए स्पेशल। तब तक ठंड हो जाएगी, जाऊँगा तब तक ठंड हो जाएगी आराम से, तो अभी चलता हूँ। ये बच्चे नीम खाना शुरू कर दिया इसने, अरे बस कर मत खा, तेरे को छाया चाहिएगी, छोड़, आ जा इधर, आ जा आ जा। तो गाइस अभी चलते हैं खेत, टाइटर अपना तैयार है, चलते हैं अभी, चादर वगैरह कुछ लेना नहीं है, हरा काट के और सीधा गाड़ी पे डाल के लेकर के आना है, तो चलते हैं। फिलहाल खेत में पहुंच चुके हैं और विष्णु भी मेरे साथ आए थे। अरे सो कैसे आते ही? अरे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है खेत, अच्छा लग रहा है, तो सोने से क्या होगा, खड़ा हो। मैं हरा काट रहा हूँ ना, तू हरा गाड़ी के अंदर डाल दे, ठीक है? तो गाइस अभी ये हरा चारा ये काटते हैं जल्दी से। तो गाइस फिलहाल हरा चारा हमने काट लिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, शाम का समय लगभग अंधेरा होने ही वाला है। और विष्णु देखिए वहाँ पे सब्जी लेकर के आ रहा है, वहाँ पे तर वगैरह लोहिया वगैरह है ना, उनकी कुछ बैलें थी, तो देखिए ये शायद तर लेकर के आ रहा है और कुछ सब्जी है वो देखिए गाड़ी पे रख गया है पहले। तो मैंने हरा चारा काट लिया फिलहाल, तो गाइस अभी हरा चारा लोड कर लिया, आप देख पा रहे हैं, अभी चलते हैं घर की तरफ, और इतनी सब्जी कर ली है विष्णु ने, ये देखिए अभी चलते हैं घर पे, चले अभी भी सो रहा है। फिलहाल हम खेत से पहुंच गए घर पे और अभी यहाँ पे देखिए पशुओं को बांधा जा रहा है, उधर इन्होंने दूध निकाल लिया है और पशुओं को बांधना स्टार्ट कर दिया है। विष्णु आते ही पानी पीने लगा है, प्यासा हो गया है। विष्णु मेरे को भी पानी पिला दे यार, ठंडा वाला, फ्रीज का नहीं होना चाहिए, मटके का पानी पिलाना है। और मौसम की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आज का व्लॉग भी आपको पसंद, लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप व्लॉग पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए क्या आप बैंड कर दो।
तब तक के लिए बाय बाय।